हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सके। जहां हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यमुनानगर में फिर एक बार फील्ड अफसर को महज 1500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। फील्ड अफसर ने डमोली गांव के रहने वाले अमरदीप ने हरियाणा पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण विभाग से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन के साथ ही फील्ड अफसर तेजपाल ने उन्हें 9000 का बीमा करने के लिए कहा। फील्ड अफसर ने अमरदीप को बीमा करने के लिए 9000 की रसीद तो दे दी, लेकिन रिश्वत के रूप में 1500 रुपए अलग से भी मांग की, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता अमरदीप ने हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। वहीं हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यमुनानगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि मौके से फील्ड अफसर की जेब से लिए गए रिश्वत बरामद की गई, जिसको टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरजीत सिंह वासी डमोली मेरे पास शिकायत लेके आया था, मैंने लोन लेना था पिछड़ा वर्ग से, और इसका जो था अपना लोन के लिए जो ये था अपना फील्ड अफसर तेजपाल सैनी, उसने 10,500 रुपये की मांगी थी उसके लोन को पास करने के लिए, और उसको आज 10,500 रुपये जिसने 9,000 की रसीद काट के दी उसको, 1,500 रिश्वत के साथ ही काबू हो गया। आपको बता दें कि फील्ड अफसर को पुलिस ने रंगे हाथों उसके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।